मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें LHTV इंडिया को और आपके जिले की मौसम की जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों का कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम विभाग की चेतावनी। चलिए जानते खबर को विस्तार से, वीडियो को एंड तक देखें। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब पश्चिम विक्षोभ के जाते ही एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं आज पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश आंधी की कोई भयंकर चेतावनी नहीं जारी की है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में मौसम विज्ञान विभाग ने लू का भी अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले 4-5 दिनों तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार जा सकता है। वहीं यूपी मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव अब खत्म होने लगा है, जिससे वातावरण में नमी भी कम हो रही है। ऐसे में अगले 24 घंटे मौसम में हल्का बदलाव दिखेगा। कई इलाकों में हल्की कहीं मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं लू भी चल सकती है और तापमान बढ़ने से गर्मी का भी असर तेज होगा। इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी। वहीं अगले 24 घंटे कई इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जिनमें हल्की मध्यम बारिश होने के साथ तेज हवा चलने के भी आसार हैं। वहीं अगले 4-5 दिनों तक दिन के समय पारा 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और रात के समय 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि होने की संभावना है। इसी बीच चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम। लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां पर आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 36 से 39 या फिर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुरसतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़ बस्ती, झांसी, औरई और हमीरपुर में न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस जबकि यहां अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बात करें बरेली, शाजापुर, नजीमाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर समेत इटावा में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान यहां 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तो यहां न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज से एक ताजा पश्चिम विक्षोभ पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाली खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे के दौरान कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं पूर्व उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत में हल्की के मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताज़ातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।